बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। एमपी के दमोह से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मां ने पहले अपनी दो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को फंदे पर लटकाया, इसके बाद खुद भी फंदे से झूलकर जान दे दी। तीनों की डेड बॉडी घर में ही कमरे में लटकी हुई मिली है। मामला शहर के जटाशंकर बीड़ी कॉलोनी का है, जहां देर शाम यहां रहने वाले रजक परिवार की महिला लता रजक ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लता और उसकी दो बेटियां, जिनकी उम्र 3 साल और 4 साल है, वो घर पर अकेली थीं। लता का देवर घर आया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, और जब आजू बाजू से देखा तो तीनों की डेड बॉडी फंदे से लटकी हुई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बॉडी को उतार कर अस्पताल भिजवाया। जिले के SP DR तेनीबार भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। SP के मुताबिक इस दुखद घटना की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला है, बारीकी से मामले की जांच की जा रही है। घटना स्थल से पॉइजन भी मिला है और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल इसकी असल वजह सामने नहीं आई है। बच्चियों के पिता और मृतिका लता के पति के मुताबिक परिवार में कोई विवाद नहीं था। पिछले महीने हम बैठ के बोले, उसके पिताजी को और दामाद को बुला के दोनों से बात समझा के भेजा था। कोई भी अगर बात करे तो उससे फंसी बहुत ज्यादा परेशान किया था। क्यों करते थे परेशान? वो खूबसूरत थी, थोड़ी ऐसे ही था, उसके चाचा पे तो शक्कर था वो। बच्चे वगैरह भी? बच्चे का बोला भी आपको? बच्चियों का बोला? बच्ची ने अभी पिछले महीने हमारी मम्मी खत्म हो गई थी, तो तेरह में गई थी, तो चार रिश्तेदार बोला के समझा के भेजा। बच्चों का भी बोला आपने कि बच्चियां थी इस तरह से परेशान? कुछ बच्चियों को भी परेशानी भी थी? बच्ची नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था, परेशान कर रहा पति, परेशान कर, हाँ पति परेशान कर, लड़की नहीं चाहिए थी। आपकी कौन है? क्या हो गया? तो पता चला है कि तुम्हें से फांसी लगा ली। और कौन कौन है? बच्चियां भी हैं साथ में उसके? हाँ, दो बच्ची। कहाँ की घटना है? जटाशंकर। क्या नाम है आपका? पंचम रजक। ये बजरिया 6 जटाशंकर का मामला है, बजरिया 6 जटाशंकर कॉलोनी का मामला है। एक स्त्री है लता रजक नाम से, उनने अपनी दो बच्चियों के साथ फांसी लगाई है। कारण अभी अज्ञात है। एक बच्ची की उम्र 2.5 साल है, एक की 4.5 साल करीब बताई जा रही है, और महिला की उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। क्या कारण सामने आया? कारण तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सबकी, किस कारण से लगाई है। जानकारी कैसे? जानकारी के लिए इनके शायद ससुर आए तो उन्हें दरवाजा बंद देखा, लोगों को बुलाया, दरवाजा तोड़ के जब देखा तो अंदर ये लोग फांसी पर लटके हुए थे, तीनों, दोनों बच्चे और महिला। उसके बाद हमें भी सूचना मिली, हमने भी आके देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवी श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद बजरिया। आज शाम के समय करीब 6 बजे की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जटाशंकर कॉलोनी में एक 25 वर्षीय महिला द्वारा अपनी दो बच्चियों के साथ, जो दोनों बच्चियाँ बड़ी मासूम हैं, एक की उम्र करीब 2 वर्ष होगी और एक की उम्र करीब 4.25 साल होगी, सुसाइड किया। और मेरे द्वारा जो स्थल निरीक्षण किया गया है, उसे प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि जो 25 वर्षीय महिला ने अपनी दो बच्चियों को पहले रस्सी से लटकाया, डेथ होने के बाद उसने खुद अपने साड़ी के फंदा लगा करके उसने खुद के कमरे में फांसी लगाई है। अभी तक की जांच के अनुसार क्लियर कट सुसाइड है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाज़ा जो तोड़ करके उसको खोला गया है। अब
ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसकी वजह से बच्चों सहित उसने सुसाइड किया है, ये एक जांच का विषय है। अभी शव को उतार लिया गया है, अस्पताल डेड बॉडी भिजवा दी गई, पंचनामा इत्यादि कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम के उपरांत ही सारी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों को आरोप है कि सर दो बेटियां थी, बेटे नहीं। अब तरह तरह की बातें हैं। पीड़ित जो मृतिका है उनके मायके पक्ष के माँ और पिताजी से प्रारंभिक पूछताछ की गई है। अभी तक किसी निष्कर्ष पे तुरंत नहीं पहुँचा जा सकता है कि किन कारणों से हुई है। सारी संभावना है, स्थल पर जो है एक पेपर भी मिला है जो उसमें कुछ सस्पेक्ट पाइजन नहीं है, एल्यूमिनियम फास्फेट का एक पाउडर भी मिला है। साथ ही परिजनों और जो ससुराल वालों के जो से पूछताछ हुई उसके अनुसार उसको मिर्गी बीमारी, फीट जो मिर्गी बीमारी भी आती थी, इस कारण से कभी कभी उसको चक्कर आते थे, वो दवाई भी चल रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि पति दोनों की जो अनबन थी, सारी बातें हैं। ये एक जांच विवेचना का विषय है और तुरंत घंटे दो घंटे में नहीं कहा जा सकता है। यह तो मर्ग जाँच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि किन परिस्थिति में हुई है, लेकिन जो भी हो घटना दुखद है और हम सूक्ष्मता से मर्ग जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ। 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739 9926968299।